बेगूसराय में शनिवार की रात बकरी थाना क्षेत्र के डढ़ा गांव में आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों में चली गोली, जिसमें से एक शख्स की मौत इलाज के लिए ले जाने के क्रम में ही हो गई। वहीं एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान डढ़ा हरी सिंह गांव निवासी भीखो सदा के पुत्र योगेंद्र सदा के रूप में हुई है। मृतक के परिजनों ने क्या बताया, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। गाछ काटल कहे रे हमरा नाइट के मार के सुताई दल कहे मार के सुताई दल को तब जाके से यार गेले मारे लोकरा किया मार लही मारे ल नहीं गेले गेले या नहीं बचवा हमरा बेटा पकड़ लेल कहे वज गो धान में गिराय दल कहे बोलिए चलाय दल कहे तुरंत तुरंत गोली चलाय दल कहे हो बाबू एक एक बेटा रह चार गो बेटी छै गोली लगल दू गो के लगल हो एक एक गो के लगल ओकरा कपारो मारलको है। पुलिस से की मांग करे छिए, सजा मिले ओकरा? सुता दिया मार के आ तकर बाद आदमी जूटा तो सबको बोले न था कोई बस गोली चला दिया बाबू। कोई चीज का झगड़ा हुआ था? हाँ झगड़ा हुआ था, काम करे रहे बच्चा काट काटे बच्चा नहीं नहीं गया। रविवार की दोपहर मृतक का सब पोस्टमार्टम के पैतृक आवास पहुँचते ही परिजनों में कोहराम मच गया। सबका दाह संस्कार के लिए ले जाने के क्रम में रास्ते में ही ग्रामीण ने आरोपी के घर के पास सब को रखकर बकरी खगड़िया मुख्य पथ को जाम कर जमकर हंगामा किया। इस दौरान आरोपी के घर को भी निशाना बनाते हुए तोड़फोड़ किया गया। आरोपी के घर में रखे सारे घरेलू सामान को बाहर निकाल कर आग के हवाले कर दिया गया। मौके पर परिजनों को समझाने गई पुलिस को ग्रामीणों के गुस्से का सामना करना पड़ा, जिस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव भी किया, जिसमें होमगार्ड के जवान का सिर फट गया। वहीं एक महिला जवान भी घायल हो गई, जिसके बाद पुलिस के बल का प्रयोग किया। इसके बाद परिजनों को समझा बुझाकर सबका दाह संस्कार करने के लिए भेज दिया गया।